सुप्रभात विद्यार्थीगण, आज हम लोग कक्षा 8 के समर्पण कविता को पढ़ेंगे, जिसका कवि श्री रामोदास त्यागी हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के चुनकाबोली गांव में 17 मार्च 1925 को हुआ, और इनके प्रसिद्ध काव्य नया कुंभ और आठवां स्वर है। इनका निधन 12 अप्रैल 1985 को हुआ था। इनकी कविता मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है। इस कविता में कवि सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं मातृभूमि के लिए। तन मन धन स्वप्न गान प्राण रक्त का कण कण जीवन के प्रत्येक क्षण समर्पित करने के बाद भी कवि को ऐसा लगता है, क्या लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि देश को कुछ और भी हो। इस कविता का उद्देश्य मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में समर्पण त्याग और श्रद्धा की भावना जागृत करना है। इस कविता के कवि श्री रामोदास त्यागी जी ने उस सिपाही की मनोदशा व मनोभाव को कितनी खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया है कि हमारे देश का सिपाही अपना मन और तन दोनों समर्पित करने के बाद भारत माता को और क्या क्या समर्पित करना चाहते हैं, उसके मन में समर्पण के क्या क्या भाव आते हैं, क्या क्या भाव जगते हैं। यदि उनका मन समर्पित ना होता तो वे देश की सीमा पर खड़े होकर इस देश की रक्षा नहीं कर रहे होते। यदि उनका तन समर्पित नहीं होता तो शायद वह तन की चिंता, प्राण की चिंता के लिए कभी भी किसी भी वक्त उस सीमा को छोड़कर भाग गए होते। चलिए हम लोग देखते हैं इस कविता की पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। कवि यहां कहना चाहते हैं कि मन और तन दोनों समर्पित हो चुका है, और यह उसके बाद यह जीवन भी समर्पित कर दिया था। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, कहते हैं कि मेरा तन मन और जीवन समर्पित है, इतने से भी मेरा मन नहीं भरता है, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। यहां कवि कहते हैं कि हे मां, तुम्हारा ऋण मुझ पर बहुत है, मैं अकिंचन। मैं एक तुच्छ प्राणी हूं, मैं एक गरीब प्राणी गरीब हूं, जो कि मैं तुम्हारे ऋण से उड़ी नहीं कर हो सकता। किंतु इतना कर दे, किंतु इतना कर फिर भी निवेदन, किंतु इतना कर फिर भी निवेदन, मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं कुछ प्राणी हूं, फिर भी मैं तुमसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि भाल में लाल सजाकर भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना समर्पण, जब हमारा शरीर इस देश के काम आवे, अर्थात जब हम इस मातृभूमि में शहीद हो जाएं, तो हमारा एक छोटा सा भेद स्वीकार कर लेना। यहां कहा गया है भाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, भाल अर्थात माथा,
हाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। यहां बताया गया कि जब मैं इस मातृभूमि के लिए शहीद हो जाऊं, मेरा बलिदान हो जाए, तो मेरा एक छोटा सा भेंट स्वीकार कर लेना, ताकि मुझ पर यानी मेरा बलिदान व्यर्थ न जाए। हम लोग यहां देखते हैं कि गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कंकण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती कुछ ही कुछ और भी। कभी कहना चाहते हैं कि मेरे गीत, मेरे प्राण, मेरे रगों में बहने वाला रक्त का एक बूंद देश के लिए अर्पित हो, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। अर्थात इतना करने के बाद भी कभी कहते हैं कि चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। मान दो तलवार लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, हाल पर घुमल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया मेरी। कभी कहना चाहते हैं कि मान दो, मानना होता है तलवार की धार को तेज करना, लाओ न देरी अब देर मत करो, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। ढाल क्या होता है? ढाल होता है जब युद्ध करता है शत्रु की तलवार को रोकने के लिए जो शत्रु होता है वह ढाल होता है। कहा गया है मान दो तलवार लाओ न देरी कि हे भारतमा मुझे तलवार दो, तलवार की धार तेज करो, अब देर मत करो, अब समय नहीं है, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी और हमारे कमर में ढाल को कसकर बांध दो, भार पर बल दो चरण की धूल थोड़ी और हमारे मस्तक में थोड़ी सी अपने चरण की धूल लगा दो, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। और कहा गया शीश पर आशीष और मुझे अपने आशीर्वाद दो ताकि हमारा पैर लड़खड़ाए नहीं, जब मैं जाऊं तो हमारा पैर लड़खड़ाए नहीं, मैं पीछे ना हटूं। हम लोग यहां देखते हैं कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का छन छन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। इसमें कवि देशभक्ति से ओत प्रोत होकर कहते हैं कि मेरा प्रत्येक स्वप्न होता है सपना। अर्थात स्वप्न हम अपने जीवन में बहुत कुछ करने के लिए स्वप्न देखते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वही कहा गया स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का छन छन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती कुछ ही कुछ और भी। तो देशभक्ति से ओत प्रोत होकर कवि कहते हैं कि मेरा प्रत्येक स्वप्न, प्रत्येक प्रश्न, आयु का हर क्षण आपके लिए समर्पित है, फिर भी मैं चाहता हूं, फिर भी मैं आपको कुछ और देना चाहता हूं। हम लोग आगे की पंक्ति में देखते हैं, तोड़ता हूं मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वजा को थमा दो। कभी सारे यहां बताया गया कभी जो है सारे रिश्ते नातों को मोह का बंधन तोड़ते हुए क्षमा मांगते हैं। क्यों क्षमा मांगते हैं? ताकि भारत माता अर्थात कि उस काम में बाधा ना हो। क्षमा मांगते हैं अपने गांव, घर द्वार, आंगन सभी से वे क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि एक व्यक्ति का अपना घर परिवार गांव आदि के कुछ कर्तव्य होता है, लेकिन जब
एक सैनिक सीमा पर जाता है तो वह इन सारे कर्तव्यों का निर्वहन ही कर पाता है, तो उसके पीछे सारा परिवार असहाय होकर खड़ा रहता है, देखता है। इसलिए वह सबसे क्षमा मांगता है और कह रहा है कि आज सीधे हाथ में तलवार दे, कहता है आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ ध्वजा पे। वे जो है गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, ये सभी से क्षमा मांग रहे हैं। गांव मेरे, जिस गांव में रहकर वे पले बढ़े, जिस घर के आंगन में वे रहे, उन सभी से वे क्षमा मांगते हैं। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, कहते हैं आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वजा दे दो। हे भारत माता, आज हमारे हाथ में तलवार दे दो, कोई सोच विचार मत करो, अब सोच विचार करने का कोई समय नहीं है, अब मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूं और बाएं हाथ में ध्वजा दे दो। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नील का मैत्री समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यहां कवि कहना चाहते हैं कि मैं अपने सभी सुखों को त्याग कर, मैं अपने सभी सुखों को त्याग कर सुखों से भरी फुलवारी अर्थात परिवार को समर्पित करता हूं। मैं अपने परिवार का, यह कहता है नील का मित्री समर्पित, नील एक घोसला होता है और यह नील से संबंधित अपना परिवार, त्रिन समर्पित अर्थात तिनका तिनका, यहां है यहां के नील घर अर्थात घर का। यहां कवि ने बताया है कि मैं अपने परिवार का तिनका तिनका समर्पित करता हूं, इससे कवि संतुष्ट नहीं होते हैं, इसे कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, कहते हैं चाहता हूं। वे फिर भी कहते हैं, इतना करने के बाद भी वे चाहते हैं, वे कहते हैं चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इतने में मन नहीं भरता है, सब कुछ करने के बाद भी उनका मन अधूरा रह जाता है, देने की इच्छा जो है वह कम नहीं होता है। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, क्यों? क्योंकि भारत माता का जो है ऋणी है, उससे वह पूरी नहीं हो सकता है, उसके कर उसके ऋण से वह ऊपर नहीं उठ सकता है। तो हम लोग यहां देखिए कि समर्पण यह कविता है जिसमें कि कवि का अपना तन मन और जीवन समर्पित करने के बाद भी उनका मन कहता है तुझे कुछ और भी, क्योंकि हे मां तुम्हारा ऋण मुझ पर बहुत है, तूने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, तुमने मुझे इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी बस। फिर भी कहते मैं एक अन्ना सा प्राणी हूं, मैं गरीब हूं, मैं आपके ऋण को चुका नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं इस देश के लिए बलिदान हो जाऊं तो हमारा यह शरीर जो है वह एक छोटी सी भेंट के रूप में स्वीकार कर लेना, हम इस देश के लिए जब शहीद हो जाएं तो हमारे शरीर को एक छोटा सा भेंट समझकर स्वीकार कर लेना, ताकि हमारा यह बलिदान। और आगे भी इसमें कहा गया है कि जब आगे वह लड़ाई के लिए जाता है, युद्ध के लिए जाता है, तब वह भी वहां भी वह भारत माता से, धरती माता से यह आशीर्वाद मांगते हैं, यह आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारा पैर कभी लड़खड़ाए नहीं, हमारा पैर कभी पीछे हटे नहीं, और अपने
घर द्वार आंगन सभी रिश्तों को वे छोड़ कर आए हैं, सभी से वे क्षमा भी मांगते हैं ताकि हमारे काम में ये सभी बाधा ना बने। सभी मोह माया को त्याग कर आए हैं, जब तक मोह माया को त्याग नहीं करेंगे तो हम पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाएंगे, देश के लिए पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाएंगे। इसलिए वे घर आंगन रिश्तेदारों से वे क्षमा मांगते हैं, सभी को सभी की मोह माया से हटकर वे मातृभूमि की सेवा में वे लगे हुए हैं। और कवि कहते हैं, भारत माता से हे भारत माता, हे धरती माता, आज हमारे हाथ में तलवार है, अब सोचने समझने की शक्ति नहीं है, मेरे एक हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वजा दे दो ताकि मैं अपने विजय का पताका दिखा सकूं। सुमन अर्पित चमन अर्पित नीलकर अर्पित समर्पित, यहां भी उन्होंने कहा कि सुमन अर्पित जो हमारे जीवन में सुख का समय है, सुमन अर्थात अर्पित समर्पित कर देना, अर्पित कर देना, चमन अर्पित, चमन होता है उद्यान बगीचा, नीलरी नील का अर्पित समर्पित, नील घोसला अपने परिवार का त्रिन अर्थात तिनके तिनके वो समर्पित करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरता है, चाहता है देश की धरती, चाहता है देश की धरती तुझे कुछ और भी। हे भारत माता, इतना सब कुछ समर्पित करने के बाद भी मैं आपके कर्ज से नहीं उठ पाया, चाहता हूं तुझे कुछ और भी।